यस हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें आज कंपेयर करना है अपने ए आई ए पी जी टी मैं आपको बता दूं आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं ए आई ए पी जी टी यूनानी

2021 के पेपर की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा अगर मैं वर्ड बोलूं इस पेपर के लिए तो सिंपल सा वर्ड ये था ये इस पेपर के लिए कि कि इसमें कहते ना कि एक वो चेहरा जिसको हम कभी पढ़ नहीं पाए सेम उसी तरीके का पेपर था जैसे आप लोग मान के चलते हो कि हाँ सर्जरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके सर्जरी एक आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी होता है जैसे ऑप्शन गायनिंग की अगर हम बात करें हम बात करें अनाटमी की या हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी पैथोलॉजी की या फिजी की बात करें बट ये टॉपिक्स थे ऐसा नहीं कि ये थे नहीं ये टॉपिक्स थे इंक्लूडेड थे पेपर में बट मैं आपको सच्चाई बता दूं आप अभी पेपर देख के खुद देखोगे कि इन टॉपिक्स को उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी गई जैसे हमें प्रायोरिटी देना चाहिए थी जिस तरीके से हमारी स्टडी चल रही होती है ओके हुआ क्या यहां पर यह हुआ कि पता नहीं क्यों उन्हें आंख नाक कान ज्यादा पसंद आए ओके जैसे मैं ईयर की बात करूं नोज की बात करूं और आई की बात करूं ये चीज ज्यादा पसंद आई ज्यादा इनफैक्ट कैसे पसंद आई देखो ये जो होती है हमारी ऑफता हमेशा से क्या होती थी एक छोटा सा माइनर सा सब्जेक्ट रहता था ये आई पीजी में एक आधी क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया बट मैं भी आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूसली फोर क्वेश्चन आपसे के पूछे गए ओके मैं अभी आपको बिल्कुल एक्जक्टली exactly दिखाऊंगा अब हम क्वेश्चन के थोड़े से लेवल की तरफ चलते हैं एक बार क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल देखना देखो क्वेश्चन थ्री सिक्स जीरो की अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड था मतलब कि इसमें आपसे दिए हुए थे कि आपसे पूछा गया था कि इन बेबीज डिलेट क्लोजर ऑफ एंटीरियर की बात करी थी तो किस में डिलेट जो है क्लोजर होगा यहाँ पर तो आपसे देखो एक चीज और है यहाँ क्वेश्चन पूछने की अदा बदल गई पहले क्या होते थे लोग होते थे डायरेक्टली आके सामने से बात करते थे बट अब क्या हुआ इनडायरेक्टली हम थ्रू द सोशल मीडिया डिफरेंट तरीके से लोगों को डील करते हैं जस्ट लाइक डैट यहां पर सीधे सीधे लाइनर पॉइंट ना पूछ के उन्होंने क्या करा यहां पर ए बी सी डी इस तरीके से अपनी अदा को चेंज करना शुरू कर दिया और उसी तरीके से ऑप्शन बनाना शुरू कर दिए इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन थोड़े से सिंपल होते हैं उसका एक रीजन है सिंपल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर इसमें आपसे वेरिएशन के हिसाब से अगर एक पॉइंट भी उन्होंने इधर उधर करके लिखा हुआ है तो आप आंसर को सीधे मैच कर सकते हो ओके खैर थोड़ा सा देखो आगे अगर मैं बात करूं यूनानी का आप खुद देखो यूनानी के क्वेश्चंस इनके स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं एक स्टेटमेंट देखो इतना लंबा एक स्टेटमेंट इतना लंबा ठीक है ए स्टेटमेंट्स दिया आपको और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका सही आंसर बता दो कि स्टेटमेंट ए ठीक है कि बी ठीक है फर्स्ट फर्स्ट एंड 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 सेकंड सेकंड इज ट्रू 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 बोथ आर फॉल्स इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो आप ये बिल्कुल भी ना मान के चले कि अब जो आपका पेपर आने वाला है वो पेपर आपसे वन लाइनर पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा उसी तरीके का थ्री 35, फिफ्ट थ्री फाइव यूनानी का क्वेश्चन उसमें भी आप देख लो कैसे बनाए ए बी CDE, इस तरीके से बना दिए उन्होंने और कहा बताओ इसमें से कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं ओके तो ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जा रहे हैं जैसे यहां पर अरेंज करने के लिए आया मैं आपको बता दूं सेम इसी टाइप का अरेंज करने के लिए आपसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था मसल कॉन्ट्रेक्शन में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं ट्वेंटी की बात करूं तो ट्वेंटी में आपसे मसल कॉन्ट्रेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी उसने कहा था कि स्टेप्स को रीअरेंज करें आप मसल कॉन्ट्रेक्शन के इस मसल कॉन्ट्रेक्शन के तो आपको अरेजमेंट मीन डैटायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आपको फ्लो चार्ट पढ़ना

यहां पे आपको मैचिंग बना के क्वेश्चन दिया मैचिंग बना के हालांकि ये, ये इजी तो हो गया मैचिंग बना के बट इन्होंने तीन चार क्वेश्चंस को एक में कंबाइंड कर दिया तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं मैंने आपको लास्ट ईयर स्ट्रॉबेरी के बारे में सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई थी कि स्ट्रॉबेरी टंग कहां मिलती है स्ट्रॉबेरी वेजाइना कहां मिलेगी स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कहां मिलेगा तो इस तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको जरूर बताए थे और वहीं से आपसे स्कारलेट फीवर पूछा भी गया यहाँ पे ओके अब देख लो ये क्वेश्चन को देखो अभी तक आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कोई भी क्वेश्चन कि आपको लगे कि बिल्कुल सीधा सीधा वन लाइनर टाइप के ये भी आपसे ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पूछा गया था और आपसे क्या बनाया उन्होंने

तरीके के पॉइंट्स यहां थे नहीं ओके okay, चलो अगला आ जाओ प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन था लो न्यूट्रेन सेगमेंट में किस तरीके से ने पढ़ा होगा तब तो वो जानता होगा बट अगर किसी ने मिसल मर्ज नहीं पढ़ा तो वो नहीं जानता होगा कि जो ओबुलर पेन होता है ओबुलेशन के टाइम उसे बोला जाता है तो अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए तो सिंपल है वरना इसका तो प्रोनाशियशन मिटेल से मर पता नहीं क्या बोल रहे होंगे बट दिस इज मर्ज सिंड्रोम ओके तो अगर आपको आते थे तो आप वन लाइनर ये कर पाओगे वरना आप ये पॉइंट इस तरीके के नहीं कर पाते वहां पर क्लियर उसके बाद आप देख लो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन का है प्रेग्नेंसी रिलेटेड अभी आप देख रहे हो ऑप्शन गाइनी से आपको तीसरा क्वेश्चन ये मिला है ये तीसरा क्वेश्चन आपसे ऑप्शन गाइनी से पूछ रहे हैं वो लोग ओके अगला आ जाओ हां Uh, जार्जबी फ्रैक्चर्स जार्जबी फ्रैक्चर्स की बात करें सेप्टम का फ्रैक्चर होता है देखो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया नोज का ओके okay? ये नोज का आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद म्यूकोपोटेनियस सीवरल ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन की बात करें मीन डेट इसे आप दो जगह रख सकते हो या तो ये डरमा से रिलेट कर लो या तो आप इसे आई से रिलेट करो क्वेश्चन को ठीक है उसके बाद आ जाओ आप विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक डिजीज डिजीजे नेजल मैनिफेस्टेशन फिर वही बात आ गई नेजल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है ये भी आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ई के कॉम्प्लिकेशन से है बियोनेटिंग साइन बहुत अच्छा ये आपसे से ऑप्था का क्वेश्चन पूछा गया ग्लोकोमा में वेटिंग वे साइन देखने को मिलता है लेमिनार डॉट साइन देखने को मिलता है ये जो वेटिंग वे साइन है और लेमिनार डॉट साइन है दोनों ही आपको ग्लोकोमा में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन सोचो आपसे ऑप्था का पूछा गया आप देख रहे हो कि नोज ऑफ्ता इस तरीके से पॉइंट चल रहे हैं ओके अगला क्वेश्चन क्या था? As the फिर आप चले जाओ तो आपसे किसका पूछ लिया गया? का क्वेश्चन शेप होती है, 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 है. आपसे वो पूछ लिया गया एनोशिया फिर आप चले जाओ तो आपसे किसकी बात, बात ये कर रहा है ऑर्किल्स ऑफ ईयर की बात कर रहा है फिर आपसे ईयर का क्वेश्चन पूछा देख लो आप नोज ईयर नोज ईयर यही चल रहा है नोज ईयर और आई आई सप्लाई देखो आई का क्वेश्चन है न्यूट्रिशन टू वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल आई बॉल के वेरियस स्ट्रक्चर को कौन सप्लाई करता है वो पॉइंट आपसे पूछा गया है ना

सिस भी पूछ ली गई मींस डेट आपसे केस स्टडी भी पूछी जा रही है ओके okay? अब आप देखो हाँ बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपसे बिल्कुल कहा जाए तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्वेश्चन है देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको रेक्टल ग्रेड पाइल्स एंड आपसे हाई एनल फिशुला के बारे में डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि कहा, कहा, किस तरीके से किसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है ओके और एक आपसे पूछा गया हाइड्रोसील पे क्वेश्चन जिसमें भी आपसे मैचिंग बना के पूछा गया इवन हाइड्रोसील पे तो दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने है ना तो ये चीज आप देख लो आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पूछी जा रही है ट्राइज के बारे में आपसे पूछा गया खैर अगला आ जाओ ये देख लो हाँ ये क्वेश्चन था आपसे हाइड्रोसील हाइड्रोसिलियस हर्नियान ये किस किस से रिलेट करेंगे आपको इसमें मैचिंग मैचिंग करना थी ये मैचिंग वाले पॉइंट दिए थे और इसका आंसर उन लोगों ने गलत दिया हुआ था जो एन टी ए की तरफ से आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर गलत आया था काफी लोगों ने इसे क्लेम भी किया बट कुछ लोगों को शायद थोड़ा बहुत फायदा हुआ बट बहुत से लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्लेम का है ना तो अब देखो हाइड्रोसील का जस्ट ऊपर एक हाइड्रोसील का क्वेश्चन था तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन वो नहीं है जो सिंपल सिंपल से एक से वन लाइनर आपसे पूछ लिए और आप टिक करके चले आया और आप एग्जाम में मार्क्स लेकर के चले आए और और ये पेपर वन लाइनर टाइप का होता, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी फर्स्ट रैंकर फोर हंड्रेड के अब मार्क्स जरूर लेकर के आती है ना और आप देख ही रहोगे अबाउट टू ट्वेंटी टू थर्टी तक आराम से सिलेक्शन हो जाना है इस बार है ना बाकी साइन पूछा गया आपसे है ना तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन अच्छा एक चीज और है देखो अब ये साइन आपसे पूछा गया शायद ये साइन आपने सुना ही ना या हो या पढ़ा होगा आप लोगों ने बट मोस्टली लोग ये बात कर रहे थे कि सर हमने ये साइन सुना ही नहीं तो कुछ चीजें ऐसी जरूर थी जो वन लाइनर थी बट वो थोड़ी इंपॉर्टेंट मीन कहते हो अनइंपॉर्टेंट टाइप की थी है ना कि वो चीजें आपने नहीं सुनी अब आपसे अगर यहाँ पे कुछ और सिंपल से साइन पूछे जाते तो आप सिंपल से बता सकते थे है ना लेकिन बट आपको ये बताने में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई ओके जैसे थ्री एक सिंपल सा वन लाइनर पॉइंट था लिस्ट कॉमन अपेंडिक्स अपजिशन की पूछी थी ये तो आप बता सकते थे ओके क्लैफ्ट लिव रिपेयर भी आपसे याद करने वाला पॉइंट था सार्स से जूनोटिक वायरस है इस तरीके से आपसे पूछा गया कि क्यों क्योंटिक वायरस है इसे कैसे कैसे कर सकते है, कैसे कह सकते हैं हैं कह दिस इज अ जूनोटिक वायरस ओके तो ये कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का फीचर नहीं है देखो एक चीज याद रखना आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था ना तो डिजीज वेस्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे थे कि आपको पूरी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या चीज आती है तो वो तो आप बता सकते थे कोई एक चीज आपको याद रहेगी

उसके बाद नॉन बुलस इंपिटागो पूछ लिया आपसे तो आप इसे माइक्रो या डरमेटो से आप इसे कंपेयर कर सकते थे इस क्वेश्चन को ओके बाकी आप यूनानी के क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं जो सीधे सीधे पॉइंट्स हैं यूनानी में फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं बट हाँ अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में बहुत ही कम ऐसे पॉइंट थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे और जो डायरेक्ट पूछे गए थे वो अनइंपॉर्टेंट टाइप के थे ओके वो पॉइंट्स क्या थे आपके अनइंपॉर्टेंट टाइप के पॉइंट्स थे जैसे ये 29 क्वेश्चन पार्किंसोनिज्म में था कि क्या प्रेजेंट नहीं करता ओके तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपसे क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं और उसको आप थोड़ा सा देखना वो क्वेश्चन ये है आ, मैं चल रहा हूं अक्यूटाइटिस के बारे में आपसे पूछ लिया गया है ना तो ये कह सकते हो कि सर्जरी का क्वेश्चन हो सकता था लेफ्ट वर्ंटिकुलर हाइपरट्रॉफी अच्छा एक चीज और है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत कम देखने को आपको मिले प्रीवियस ईयर क्या होते ना जब आप बात करो ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले की आप ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले की अगर बात करते थे तो आपसे मोस्टली वन लाइनर पॉइंट्स ही पूछे जाते थे आपसे इस तरीके के पॉइंट्स नहीं पूछे जाते थे जैसे इन लोगों ने इस बार पूछा है है ना उसके बाद आ जाओ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और दिखा रहा हूं मैं देखो यूनानी के क्वेश्चन थे थोड़े से वन लाइनर पॉइंट्स थे बट but... आप अगर मॉडर्न की बात करो तो मॉडर्न में कुछ अजीब अजीब टाइप के पॉइंट्स आपसे जरूर पूछे गए थे जैसे आपसे यूनिवर्सल एंटीडोट पूछा गया था तो अच्छा हाँ एक चीज़ और है मैं यहाँ पर मेन फोकस कर रहा हूँ मॉडर्न के ऊपर है ना मैं यूनानी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा बट हाँ यूजुल ये लग रहा है कि जो यूनानी का पोर्शन था उसमें भी चैलेंजिंग क्वेश्चन थे है ना यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में आपसे पूछ लिया टाडियो स्पॉट्स पूछा हाँ ये सारी चीज़ें आपको रोम्स में मिल जाएंगी यूनिवर्सल एंटीडोट एंड टाडियो स्पॉट्स वगैरह एबिलिटी टू स्पीक ये आपसे पूछ लिया सिंपल सा क्वेश्चन पता नहीं क्यों एबिलिटी ऑफ स्पीच एबिलिटी ऑफ राइटिंग एबिलिटी ऑफ लिसनिंग ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं एग्जाम में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर रहा से आपसे अच्छा पॉइंट पूछा गया कि कब राइट शिफ्ट होगा है ना ये बात आपसे पूछ लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप इजिली इसको कर पा रहे होगे ओके okay. उसके बाद आप चलो तो आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ मसल तो फाइबर हाँ एक चीज और याद रखना मसल का क्वेश्चन पिछली साल भी था 2020 में भी था और इस बार 2021 में भी आपसे पूछा गया मींस वो मसल्स पे थोड़ा सा जरूर गौर करते हैं है ना आईएम का इंजेक्शन देते हो ये आपका बीडीसी में डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में बीडीसी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि इंटरमस्कुलर इंजेक्शन आप था उसमें ग्लूटियल रीजन में कहां पर दे रहे होते हो ओके हाँ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिला डेट इज द फूड ड्रॉप ड्यू टू इंजरी ऑफ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपसे कभी आईपीजीटी में ये पूछा गया है कॉमन पेरोनियल नर्व आपने भी क्या होगा इसका आंसर है ना तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओके फंडस ऑफ स्टमक था फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिवरी में सब कुछ होता है क्या नहीं होता हाँ ये चीज भी आपको पता होना चाहिए है ना तो मैं आपको बता दूं ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस थे अगर लास्ट की तरफ आप चलो जैसे ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था ये जो था इन ब्लोन द रूम फैंस मतलब एक अलग तरीके की चीज आपसे पूछने की वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाए जो क्वेश्चन क्या हो स्टूडेंट के लिए थोड़े से चैलेंजिंग जरूर से हो जाए ओके जैसे मिनी पिल के बारे में आपसे पूछ लिया कॉन्टरसेप्ट पिल्स के बारे में ओके हाई बर्थ रेट का क्वेश्चन आपसे ये मिला था एक आपको कि हाई बर्थ रेट काज क्या

उन्होंने फर्स्ट एंड नाइन्थ रैंक अचीव करी और हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन करी और काफी लेबोरियस स्टूडेंट्स में से थे उसके बाद अगर आप नीचे चल रहे हो तो इलेवन फोर्टीन इस तरीके से हमारी रैंक्स आई इवन अगर मैं बात करूँ बाग से वहाँ भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ से भी अंजुम आई थिंक ट्वेंटी या ट्वेंटी रैंक के आसपास थी वो और अगर मैं बात करूं 50 के आसपास आई थिंक डॉक्टर रूबी और उजमा अलमास तो इस तरीके के स्टूडेंट्स थे हमारे और अगर हम चले जाएं बिहार की तरफ तो वहाँ से भी सेफ नी लोफर और अगर बात करें हम एम मुंबई से भोपाल से हाँ डॉक्टर युषरा फ्रॉम भोपाल एंड डॉक्टर शब्बीर तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और ये लोग सिलेक्ट होकर अच्छी रैंक के साथ आगे पहुँचे हैं तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो और इस साल से हमने एक न्यू चीज़ को स्टार्ट किया ये लास्ट ईयर तक हम टेस्टरी अच्छा एक चीज़ और है हाँ यूनानी में जैसे स्टूडेंट्स की मेरी बात हुई तो वो मुझे बता रहे थे कि ये फैमिली वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे

सारी चीजों को इक्वालिटी दो तभी जाके आप पेपर में किसी अच्छे एग्जाम में अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो सकते हो ओके तो मैं बता रहा था कि एक नई चीज हमने करी है हमने क्या करा है एक न्यू कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडर्न के लेक्चर मॉडर्न साइंस के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन द रिकॉर्डेड फॉर्म

तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करना थी और थोड़ा सा पेपर आपको दिखाना था कि जिन लोगों ने पेपर अभी तक नहीं देखा है एटलीस्ट वो एक बार पेपर देख लें और थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से हमसे जैसे आपसे पल्स लेस डिजीज अगर ये डायरेक्टली पॉइंट था अगर आपको पता है तो आप सिंपल सा कर पाओगे नहीं पता है तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी है ना आपसे यहाँ से एक देखो मैचिंग क्वेश्चन पूछ लिए गए और इस तरीके से यहाँ भी पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछे गए तो मैं ओवरऑल जिस्ट बता दू आपको मैं ओवरऑल कुछ बातें आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपको मैचिंग पे प्रैक्टिस करना है आपको ए एंड आर असर

मान लिया में कोई काम करना है तो एक तो ये बात होती है कि हाँ यार मेरे को ना यहाँ से ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है ठीक है एक होता है एक ये हो गया मान ली एक नॉर्मल आदमी और एक हो गया दूसरा जिसे आप एबनॉर्मल भी कह सकते हो वो ये कहता है कि मुझे ए से बी तक जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए भले रास्ते में यहां पर कितने भी हमारे पास ऐसी बाधाएं आ जाएं कितनी भी हमारी रुकावटें आ जाएं बट मुझे ए टू बी तक क्रॉस करके ही जाना है और ए बी ने क्या बोला था ए ऊपर वाले ने बोला था कि मुझे जाना है तो अगर बाई चांस एक रुकावट आ गई तो वो क्या कहेगा मेरे को वापस आ जाना है मुझे आगे नहीं जाना तो आपको ये वाला नहीं बनना आपको ये वाला बनना है कितनी भी रुकावट आ जाए कुछ भी आ जाए ए आई पी जी टी 2022 में जब भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में मुझे एक अच्छी रैंक लेकर के आना है जिससे ऑल ओवर इंडिया मेरा नाम हो आपको शायद पता होगा कि मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर सोलह अख्तर ने फर्स्ट रैंक लाई है वो ठीक है तो बहुत पहले हाँ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन में बोल भी चुका हूं तो मैं आपको बता दूं कि

प्ले स्टोर पर जाएं और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल डालें और इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो टेस्ट सीरीज एंड मॉडर्न मेडिकल क्लासेस जिससे आपका काफी बेनिफिट होने वाला है और बहुत नॉमिनल चार्जेस में बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं है हमारे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं जिससे आप ज्वाइन होकर आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हो ओके तो ये था पेपर का हमारा कि हमने पेपर के क्वेश्चन बताए जल्दी ही हम पेपर का सोल्यूशन लेकर के आएंगे उसमें हम पूरा पेपर आपको बताएंगे कि इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन मतलब किस तरीके से इस पेपर को आपको सॉल्व करना था अच्छा हाँ ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि अगर हम बात करें इसमें यूनानी एंड मॉडर्न के लेवल बोस की बात करें क्वेश्चंस की तो जो मॉडर्न के क्वेश्चन थे वो अबाउट 59 थे 59 प्लस माइनस मींस हो सकता है कुछ दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो देखने में ठीक है और अगर आप बात करो सिक्सटी प्लस माइनस यूनानी के क्वेश्चन थे तो अगर आप इनफैक्ट लेकर के चलो तो अबाउट फिफ्टी ग्रेटर देन फिफ्टी मॉडर्न के क्वेश्चन थे एंड अबाउट द सिक्स यूनानी के क्वेश्चन थे तो आप देख रहे हो प्रपोर्शन लगभग सा सेम है से आपको दोनों बराबर ही प्रायोरिटी देना है दोनों ही सब्जेक्ट्स को तो आप जो है प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट कर दें रोम्स को पढ़ना शुरू कर दें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ना शुरू कर दें और अगर आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से आपके लिए कुछ थोड़ी सी हेल्प हो सकती है और हमारे रैंकर्स स्टूडेंट्स ने जो लास्ट ईयर मेहनत करी उसके बेसिस पे आप देखना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से आपके लिए अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमसे जुड़ें और हमारे पास दो कोर्स हैं एक है टेस्ट सीरीज वाला और एक कोर्स है हमारे पास मॉडर्न मेडिकल क्लासेस का वो जरूर आप ज्वाइन करें इन दोनों के ही लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप वहाँ से ज्वाइन करें और दूसरी चीज एक चीज में और बता दूं पढ़ाई को अपनी चाहत बनाओ ना कि अपनी मजबूरी बनाओ कि अरे हम तो मजबूर हैं हमें पढ़ना है क्या करें घर वालों ने कह दिया हमें पढ़ना पड़ रहा है ये चीज़ नहीं करना हमें क्या करना है ना चाहत बनाना है चाहत का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो हम जिस एज पे हैं उस एज पे चाहत का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हो क्या क्या कर जाते हैं लोग है ना किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए सोचो लोग कहाँ से कहाँ तक गुजर जाते हैं अरे ऐसे ऐसे होते हैं कि अपना घर बार तक छोड़ देते हैं ना तो वही चीज करना है हमें वही चाहत लेकर के चलना है और उस चाहत को जिस दिन हमने अपनी स्टडी में दिखा दिया तो हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सारी चीजें घर बैठे ही मिल जाए

आपको करना है आपकी चाहते हैं आईपीजीटी 2022 है अगर तो डेफिनेटली आप मेहनत करोगे और आपको वो मिल जाएगी ओके okay? तो कोशिश करो अच्छा करने की और हम पूरी तरीके से आपसे सपोर्ट कर रहे हैं और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और ऐप को डाउनलोड करके और फिर हमारी टेस्ट सीरीज एंड मॉडर्न लेक्चरस को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें ओके थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो